तुम्हारी बच्ची के दामाद ने कोल्हारी से काट दिया है जी। अभी क्या स्थिति है आपकी बेटी की? अब स्त्री का है जी, अब वही है, भाग है और नस कटी है और हड्डी में क्रेक है, तो अभी तो वही हाल है। वो लड़की बता रही थी पहले 50,000 रुपया मांगता था, गाड़ी मांगता था, और हमारी लड़की ने बोली बोले मेरा बाप तो लंगड़ा है, बखला में वैसे ही कहाँ को 50,000 रुपये दे देगा। बोले ला तह ले अभी हमें सजा खिला, तो इसकी वजह से मार दिया उसने। 3 महीना हो गए जी जबलपुर अस्पताल में। ससुराल वाले फ़ोन करते हैं तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं आते बोले। तो मैंने डरवानी भी दिया, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, रिपोर्ट डालूँगा, डाल दो बोले अंदर होना तो हो जाएंगे बोले। गला कटने के कारण राजवती अभी बोल नहीं पाती है, पर राजवती ने पेपर में लिखकर बताया है कि उसके पति ने दहेज में मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपये अपने माता पिता से लाने के लिए कहा था और न लाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। राजवती ने यह भी लिखा कि घटना के दौरान उसका 2 माह का बच्चा था जो अब लगभग 5 माह का हो गया है, और उसके ससुराल वाले उसे उसके बच्चे को दिखाने के लिए भी नहीं लाते हैं। जो इंजेक्शन लगन की है तो लग ही रही है, 2 सवेरे शाम और बाटल भी लग रही, 2 जोर। कुछ सुधार लग रहा है? सुधार जो का है बोल रही थी डॉक्टर साहब, बोले 3 महीने भी लग सकता है और 6 महीने भी लग सकता है बोले, ये है सरकारी अस्पताल। और अपन के रहन खाने की मुश्किल है साहब, भीख मांग के थी खा रहा साहब, पैसा है तुम्हें कर्जा बांध कर 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 तो लाया तो सब बच्ची के लगा दिया, और अब दूध भी दूध पानी कुछ चाय सुंदक पैसा नहीं है जी। मैं चाहती हूँ कि राजवती के अच्छे इलाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना से उसकी आर्थिक मदद की जाए ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर है 181। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।